बैक टू अनदर मिनी व्लॉग। अच्छा, और ठीक है तबीयत सेहत आप सबकी? ठीक है ना? तो आप रेड बटन क्लिक करते हैं, ठीक है ना, लाइक्स देते हैं ना, वीडियो देखते हैं। चलो खैर, दूसरे नंबर पे यूट्यूब एक इतना सेफ सोर्स ऑफ इनकम है फ्यूचर में। देखें, जिन्होंने आज से 5 साल पहले शुरू किया था ना, अभी कोई किसी को मंथली आल्टो आ रही है, किसी को फार्चूनर आ रही है, किसी को वीगो आ रहा है, किसी को समथिंग समथिंग आ रहा है यार। लिहाजा भाई आपको बोलता हूँ, कोई पैसे खर्चने नहीं है, कुछ भी नहीं करना, नहीं करना क्रिप्टो ना करो, नहीं करना ट्रेडिंग ना करो, नहीं फोरेक्स करनी ना करो, नहीं शेयर मार्केट में जाना, कमोडिटी में जाना, करेंसी में जाना, ना आ जाओ बाढ़ में जाए, तुमसे नहीं होता ना करो, ये तो करो, वो जो कर रहे हो वो तो करो, मेहनत तो मजदूरी कर रहे हो, मोबाइल है पैकेज लगवाते हो कर रहे हो, टेलीफोन है ना, फोन है आपके पास, टच है, एंड्रॉयड है, पैकेज लगाते हो, यूट्यूब चैनल बनाओ, क्यों नहीं बना रहे भाई? पैसे आते नहीं अच्छे लगते, अर्निंग करो भाई। अभी तो जो दौर जा रहा है, घर में तीन तीन लोग काम करने वाले हों तो गुजारा हो रहा है, तो जो आना है आज से 5 6 साल बाद उसका सोचो, या तो दूसरा हल है इस मुल्क का, छोड़ के चले जाओ, बाहर जाओ, सऊदीया दुबई जाओ, काम करो, वहाँ कमाओ यहाँ खाओ। कोई 2 3 दिन पहले मैंने एक मिसाल दी थी, एक आदमी कराची में इंटरव्यू हुआ तो वो बोल रहा है स्टूडियो में बैठ के, कहता मैं तो न्यूयॉर्क में या किसी भी मुल्क में कमाता हूँ, वहाँ डॉलर में, या मैं किसी को करवाता हूँ डिनर तो 10,000 का है, वहाँ करवाता हूँ तो $1,700 पाकिस्तानी, तकरीबन तकरीबन वो बोल रहा है 5 लाख 4 लाख का वहाँ डिनर होगा। तो मैं तो यहाँ 30 बंद बोल रहा है, मैं तो यहाँ 30 बंदों को 40 को इकट्ठा करवा दूंगा तो इतना बिल नहीं बनेगा मुझे, तो वो बोल रहा है फ़र्क नहीं है, 1,000 रुपये का पेट्रोल हो जाए, ठीक है। बाकी किसी के पीछे अपने घर में लड़ाई मत डालो, किसी के पीछे किसी को मत गाली दो, कोई किसी से भी तल्लक रखता है, कोई कुछ भी करता है, तुम अपना देखो, अपना साफ रहो, सेकंड लास्ट दिल साफ रखो, नीयत से तुमने जो काम करना है ना, पाकिस्तान में रहो, पाकिस्तान से बाहर रहो, जो तुम्हारे दिल से और नीयत से करना है ना, तुम कामयाब होगे। आप अपने मोहल्ले में, शहर में या गांव में इर्द गिर्द देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, नहा धोकर अच्छे कपड़े डालकर, अच्छा जूता डालकर, जूता भी 10 10 15 15 हज़ार वाला और पैंट शर्ट भी 10 10 15 15 हज़ार वाली डाल के फिर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो भाई वो ऑनलाइन काम करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं करते, बस फ्री है यार, शायद बाप इसका अमीर है, वहाँ से आ रहा है, कोई बोलता है ये चोरियाँ, वो भाई जो करता है वो बताता ही नहीं है, वो नहीं बताता है। अभी मैं $500 डेली कमाऊँगा तो मैं बताऊँगा तुम्हें? मैं नहीं बताऊँगा, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? बताऊँ भी तुम जेलस फील हो, पर मैं बता रहा हूँ करो भाई करो, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ना करो, अकाउंट बनाओ, वेरीफाई करो, उसमें 150 100 डॉलर $500 $1,000 रख के छोड़ दो, काम ही ना करो, एक साल बाद उसको दोबारा रिटर्न कर लेना। अभी आपने 2,80,000 रखना है, एक साल बाद वो आपका निकलेगा 3,80,000, एक साल बाद 1,00,000 रुपये आ गया उसके साथ सेफ, वो भी सेफ, जब चाहे करेंसी है चेंज करवा लो, मुश्किल नहीं है। ये किसी दिन बातें याद आएंगी, ये लोग जो बोलते हैं आपको आप करोड़ोंपति खरबोंपति कुछ भी नहीं है, ये किसी ऐड के पीछे मत जाओ, किसी के पीछे मत जाओ, किसी इन्वेस्टर को पैसे ना दो। मैं बोलता हूँ आपको बोलूँ ना, मेरा यह यूट्यूब चैनल है, मेरी ये ट्रेडिंग कंपनी है, मुझे दो पैसे, मैं आपको डबल कर दूंगा, मैं आपको चौगुन कर दूंगा, मैं ना 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 ना, मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ नहीं देने नहीं देने, मेरी टीम में से मेरे कोई भी मांग नहीं देने। वो भाई जो पैसा तुमने खुद लगा के कमाना है या खुद लगा के ज़ाया कर लेना है ना, कारोबार में लॉस होता है प्रॉफिट भी होता है, पहले लॉस फिर प्रॉफिट होता है, ठीक, वो तुमको दुखेगा नहीं, जब तुमने मुझको देना है मैं लेके भाग जाऊंगा ना, तुमने पूरी उम्र गालियाँ देनी है, साफ बात है। जब मैं आपको बोलूँगा यार मेरी कंपनी है आप शेयर करें उसमें रकम, पठान है इस्लामाबाद का कोई, 11 करोड़ का 12 करोड़ रुपये उसने किसी डिवेल्पर को दिए, 13 लाख रुपये महीने पर, 3 माह हो गए उसने 1 रुपया नहीं दिया, केस करने गया तो वकील आके बोल रहा है यार चुप रहो जैसा बोलते हैं वैसा करो, ये जो तुमने स्टाम किया है इसमें कुछ भी नहीं उनके खिलाफ है, क्या कर लोगे तुम इसका? कुछ भी नहीं कर लोगे, लिहाजा जो वक्त चल रहा है।
तुम अपने दोस्त को भी तो दे ही देते हो। बिलफर्ज आपका आज दोस्त ही मांग रहा है यार 1 लाख रुपया दो, साल बाद ले लेना, 6 माह बाद ले लेना। उसको देने से बेहतर है अकाउंट में रखो। वो बोलता है मैंने कारोबार करना है, तुम खुद करो, अकाउंट बनाओ, वेरीफाई करो, उसमें रखो। रखने के बाद कुछ भी ना करो यार, एक औंस गोल्ड खरीद लो, एक औंस ऑयल खरीद लो, 10 औंस ठीक हो गया, बिटनो ऑयल खरीद लो, कुछ JPY वगैरह खरीद लो, ठीक है, $100 की खरीदारी कर लो, $900 सेव रखो, वो मार्जिन के तौर पे इस्तेमाल हो, उनका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, लोन लगाओ ही ना, टेक प्रॉफिट लगा दो। 6 माह में भी वो हिट कर गए फर्स्ट, वो तो कुछ आपको $200-300 वो मिल गए ना 1 माह में भी अगर हिट कर गए, अलबत्त हफ्ते में हिट कर जाते हैं अक्सर लंबी डीलें, $300 भी आ गया 6 माह बाद। $8 अगर 280 का है, 6 माह बाद ये 310 का होगा, ठीक है, अगले 6 माह बाद ये 370 का होगा। इसको तुम 370 में वो कैश करवाओ, 3,70,000 तो वो हो गया, जो $300 कमाया था मेरा भाई वो भी तो आपका 1,10,015 बन गया। अकल इस्तेमाल करो ना, बुद्धू बनो, किसी को मत दो, किसी, मैं बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सोने का हूँ, मैं ऐसे मत दो मत दो मत दो। अक्सर लोग मैं देखता हूँ, मैंने खुद 2 गाड़ियाँ लेकर रेंट पे दी थी, मैं आपको बताऊँ वो गाड़ियाँ 30-30, 35-35, 40-40 दे देंगी, ठीक है, 40 किसी माह में भी नहीं दिया, जिस माह में उन्होंने 60-60, 70-70 दिया उसी माह में उन पर लगाने पड़ गए 20-25 के एवरेज। 2 गाड़ियाँ तकरीबन आज के दौर में 50 से 60 लाख की अच्छी आती हैं, GLI XLI कुछ 16-17-15 मॉडल, तो आप वो 50-60 लाख की लेके देती हो, 50,000 रुपये 60,000 रुपये मंथली पे, तो आप ये क्यों नहीं करते यार? अगर कुछ लॉस हो, गाड़ी भी तो बच ही जाती है, अगर लॉस होगा तो आपके हाथ से तो होगा। गुड बाय, अपना ध्यान रखें, अल्लाह आपका निगहबान है, बातों पर अमल करें।